सलमान खान को मिला बड़ा सम्मान, वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने खुद दी हाजिरी। इस साल अक्षय कुमार को तगड़ी टक्कर देने वाले हैं अजय देवगन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। सलमान खान आज के समय के बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर हीरो है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का बिजनेस करती है और वो बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो सलमान खान एक बॉलीवुड का अहम हिस्सा है और उनके कारण ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ही फायदा भी होता है। तो आपको बता दूं कि हाल ही में सलमान खान को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। दरअसल नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में सलमान खान का म्यूरल स्टैच्यू लगाया गया है, जो कि सलमान खान के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इंडियन सिनेमा के ये नेशनल म्यूजियम में सिर्फ लीजेंड एक्टर का म्यूरल स्टैच्यू लगाया गया है। जब वहाँ पर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे बहुत बड़े दिग्गज अभिनेताओं के म्यूरल स्टैच्यू लगाए गए हैं और वहाँ पर आज के दो एक्टर के ही स्टैच्यू शामिल है, जो और वो है सलमान खान और शाहरुख खान। तो सलमान खान और शाहरुख खान के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि उतने बड़े दिग्गज अभिनेताओं के बीच उनका म्यूरल स्टैच्यू लगना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में। आपको बता दूं कि उनके सम्मान के लिए खुद मोदी जी ने हाजिरी दी थी। जब आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, जिनमें सब दिग्गज अभिनेताओं के म्यूरल स्टैच्यू के आगे नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि सलमान खान और शाहरुख खान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेशनल म्यूजियम में उनका म्यूरल स्टैच्यू लगना और इंडियन सिनेमा के इतने बड़े लीजेंड एक्टरों में उनका नाम शामिल होना, जबकि इस लिस्ट में ये दो एक्टर के अलावा आजकल के हीरो के कोई नाम नहीं है। और वैसे भी बॉलीवुड में सलमान खान का एक बहुत बड़ा नाम है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वहां में कमेंट करें। अक्षय कुमार की हर साल 3 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती है और इसके कारण वो हर साल टॉप पर रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि साल 2019 में अक्षय कुमार को तगड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि इस साल अक्षय कुमार की ही नहीं लेकिन बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन की भी 3 फिल्में रिलीज होने वाली है। यानी कि सीधे सीधे इस साल अक्षय कुमार को अजय देवगन टक्कर देने वाले है। जब आपको बता दूं कि अजय देवगन की इस साल टोटल धमाल, दे दे प्यार दे और तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्में रिलीज होने वाली है, जबकि अक्षय कुमार इस साल केसरी, गुड न्यूज, हाउसफुल 4 और मिशन मंगल को लेकर आने वाले है। इस साल अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज हो रही है, जबकि अजय देवगन की 3। फिर भी अक्षय कुमार को अजय देवगन कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि अक्षय कुमार की इस साल 2 कॉमेडी, 1 वॉरियर और 1 देशभक्ति फिल्म रिलीज होने वाली है, जबकि अजय देवगन की भी इस साल 2 कॉमेडी और 1 वॉरियर फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर दोनों एक्टर के जेनर देखा जाए तो जेनर भी सेम है, यानी कि 2019 में अजय देवगन अक्षय कुमार को कड़ी टक्कर देने वाले है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि 2019 दोनों में से कौन से एक्टर के नाम रहेगा और कौन से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चलेगी, वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे के अन्य अपडेट के लिए एफ स्टार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।